तो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसा है कि लोग सड़कों पर उतर गए हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है, आर्थिक संकट है, लेकिन स्थिति विकट होती जा रही है इस आर्थिक संकट की वजह से। आपको ग्राफिक जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 3 साल पहले 57,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार था श्रीलंका के पास, और जो कि विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2021 में महज 20,000 करोड़ रुपए ही बचा। अब इसके आगे बात करेंगे, नवंबर 2021 की बात करें थोड़ा आगे बढ़ के, तो विदेशी मुद्रा भंडार घटकर और कम हो गया, 11,000 करोड़ रुपए हो गए। 3,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी कर्ज श्रीलंका पर है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। वहीं कर्ज की किश्तें चुकाने लायक भी विदेशी मुद्रा भंडार अभी तक श्रीलंका के पास नहीं बचा है। एक महीने में करेंसी 45% गिर गई है और महंगाई दर देखिए शूट करके सीधा ऊपर 17.5% पर पहुंच गई है। और इसके अलावा देखिए किस तरीके से ये आर्थिक संकट लगातार बना हुआ है श्रीलंका पर, स्थिति विकट लगातार बनी हुई है। और इसी बात को लेकर लगातार जो तमाम लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और प्रेसिडेंट तक से इस्तीफे की मांग हो रही है। श्रीलंका में इमरजेंसी बम किस तरीके से फूटा है ये भी आपको लगातार हम आपसे बता रहे हैं। बात इस वक्त की एक और बड़ी खबर की कर लेंगे। श्रीलंका में 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है, कल सुबह तक के लिए ये कर्फ्यू लगाया गया। 2 दिन पहले श्रीलंका में लगाई गई थी इमरजेंसी। आर्थिक संकट के चलते हिंसा पर उतारू है भीड़, लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं, बेसिक चीजों के लिए भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। और लोग जब सड़कों पर उतरे हैं, प्रेसिडेंट से रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, इसको देखते हुए वहां पर मिलिट्री सड़कों पर उतार दी गई है, शूट एट साइट के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। और ऐसे में स्थिति और ज्यादा खराब ना हो, हालात और ज्यादा खराब ना हो, इसको देखते हुए 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब लगातार सवाल ये उठ रहा है कि श्रीलंका में आखिर ऐसे हालात बने तो कैसे बने, श्रीलंका में इमरजेंसी बम आखिर क्यों फूटा है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 2007 से ही देखिए बड़े पैमाने पर कर्ज लेता रहा है श्रीलंका, महंगे कर्ज लेकर चुका पाने में असफल रहा है। एक ये बहुत बड़ी वजह रही कि श्रीलंका में इमरजेंसी बम फूटा है, ये नौबत आ गई है। विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात करें तो 70% से ज्यादा घट गया है, वहीं 2 महीने के आयात का पैसा भी इस वक्त श्रीलंका के पास नहीं है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि श्रीलंका में बेसिक खाने पीने की चीजें भी बाहर से आयात की जाती हैं। विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए 2020 में आयात पर पाबंदियां लगाई गई थी, और उसके बाद आयात घटने से चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ते दिखाई दिए, बेतहाशा शूट कर गए। वहीं कोरोना ने टूरिज्म उद्योग की कमर तोड़ी। देखिए 10% से ज्यादा का हिस्सा जो श्रीलंका का है जीडीपी का, वो ट्रैवलिंग और वहां के टूरिज्म से, व्यापार से आता था, जो कि घटकर कोरोना की वजह से बिल्कुल डाउन हो गया है और कमर तोड़कर इस सेक्टर की कम से कम रख दी है। विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा स्रोत कम से कम जो करीब करीब है वो लगभग बंद हो गया था कोरोना की वजह से। पिछले साल की अगर बात करें तो केमिकल फर्टिलाइजर्स पर भी बैन लगा दिया गया था, जिसका सीधा सीधा रिजल्ट ये रहा कि उपज पर बुरा असर पड़ा, पैदावार घट गई, महंगाई बढ़ी। तो ये तमाम वो कारण रहे जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूटा और सिचुएशन ये हो गई कि श्रीलंका में इमरजेंसी लगानी पड़ गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।